कि अगर मैंने सपोज उस आत्मा के लिए थोड़ा सा संकल्प शुरू भी किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इतना नेचुरल अटेंशन हो जाएगा, ऐसे डर लगने लगेगा उसका भी, वैसे ही सोचेगा वो तो। मतलब मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि वो ऐसे सोचे। जैसा संकल्प हम करेंगे उसके लिए वैसा संकल्प वो करेगा। ये तो आज इस फॉर्मूला से बाबा की बात काफी मुरली गहराई की है, पुरुषार्थ भी है, फिलोसफिकल भी है। 24/3/22 मीठे बच्चे, एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। सवेरे सवेरे उठकर कब? अमृत वेला थोड़ा सा। अमृत वेला तो ज्यादातर तो शक्ति लेने का है, उसके बाद बैठकर विचार सागर मंथन करो। हाँ ये बात है, ये है। अच्छा प्रश्न है, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए, सॉरी कौन से ख्याल आने चाहिए और कौन से ख्याल नहीं आने चाहिए। फुल पास होना है, कौन से ख्याल आने चाहिए, कौन से ख्याल नहीं आने चाहिए। फुल पास, चलो कौन से आने चाहिए। अच्छे संकल्प आने चाहिए, शुभ भावना, शुभ कामना। कामना अपने प्रति वरदान। मैं विजयी रतन हूँ, सारा समय यही याद रहे तो विजयी हो ही जाएगी। तो ये ख्याल आने चाहिए, दूसरे ख्याल कौन से हो सकते जो नहीं आने चाहिए। यदि व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प। अच्छा देखो बाबा कहते हैं, फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंच बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। नींद को जीतने वाला बनना है। नींद को जीतने वाले का मतलब कम सोना। तपस्या, अमृत वेली पे मतलब जितना शरीर को चाहिए उतना, क्वालिटी लेकिन क्वालिटी स्लीप। जब भी मतलब जितना शरीर को, फिर जल्दी उठे एकदम अलर्ट, तो वो वाली स्थिति हो। खुशी में रहना है, बाकी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा वह मिल जाएगा। यह ख्याल अलबेला बना देता है। एक्चुअली ये निराश के ख्याल है ना, जो नसीब में होगा मिल जाए, वो बोलते समय भी ऐसा ही आता है, चेहरा वैसा हो के। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। तो आज भी बाबा के समीप का अनुभव करना है कि मां बाबा के बहुत क्लोज, तो वो हार्ट की फीलिंग आए। हम ट्राई करें कि बाबा के मैं बहुत क्लोज हूं, तो तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा? बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है, बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वराज्य का वर्षा ले रहे हैं, पा रहे हैं। जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन ना सके, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, वहां कोई हदें नहीं रहेगी। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो,
जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक का राज्य चले, उसके लिए उस आत्मा को कितना विश्वास सबका मिला होगा कि सब उसके रूलिंग को एक्सेप्ट करें। तो जो किसी के भी रूलिंग को हम एक्सेप्ट कब कर सकते, जब मुझे कंप्लीटली विश्वास होगा कि वो जो भी कर रहा है ना, कभी भी रूलिंग में हम कहते हैं बायस्ड है ना, ये तो पार्शियलिटी है, तो फिर तो विश्वास नहीं होता है, तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती। तो जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं, एक बाप फिर एक राजधानी जिसमें कोई पार्टीशन ही नहीं। तुम जानते हो भारत में एक ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, सारे विश्व पर राज्य करते थे, उसको अद्वैत राजधानी कहा जाता है, अद्वैत राजधानी। कैसे? अद्वैत। कोई द्वैत मत नहीं है, अद्वैत। तो उसको अद्वैत राजधानी कहा जाता है। फिर तुम बच्चे ही विश्व की राजा ही भोगेंगे। तुम जानते हो हर 5,000 वर्ष के बाद हम ये राजा ही लेते हैं, फिर आधा कल पूरा होने से हम ये राजा ही गवाते हैं, फिर बाबा आकर राजाई प्राप्त कराते हैं। यह है हार और जीत का खेल, माया से हारे हार। फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिनको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भल कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल है, परंतु विश्व के मालिक बने या हो नहीं सकता। इसलिए बाबा कई बार, वो स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ना बाबा का, बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य नहीं कर सकता। मतलब उनका फिजिकल पावर्स है ना, साइंस का है, इंटेलिजेंस का है, डिफेंस पावर है, मनी पावर है, तो विश्व के मालिक। तो बाबा इसलिए कहते, कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हो, ये हो ही नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म ही नहीं था। ऐसा विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचयिता ही बनाएगा। देखो बाबा कैसे बैठ समझाते, तुम भी समझा सकते हो। भारतवासी विश्व के मालिक थे जरूर, विश्व के रचयिता से ही वर्षा मिलता मिला होगा। विश्व का मालिक कौन बनाएगा? जो विश्व का रचयिता होगा ना, पूरा विश्व का जो क्रिएटर होगा, वो विश्व का मालिक बनाएगा। फिर जब राजा ही गवाते, दुखी होते, तो बाप को याद करते। भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। कितने प्रकारों से भक्ति, दान, पुण्य, जप, तप आदि करते हैं। इस पढ़ाई से ही तुम, जो तुमको राजाई मिलती है, वह पूरी होने से फिर तुम राजाई के बाद का नेक्स्ट स्टेटस है सत्युग त्रेता के बाद का। फिर तुम भगत बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान से राजा ही लिए। परंतु बाप कहते, उनको भी तुम भगवान भगवती नहीं कह सकते हो। क्यों? भगवान भगवती कह नहीं सकते हो। इनको ये राजधानी जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी, परंतु कैसे दी ये कोई नहीं जानते। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। वो आंसर बाबा ने दिया नहीं, क्यों नहीं कह सकते। हाँ,
एक बार मुरली में बाबा ने कहा था ये, वो भगवान भगवती नहीं बना सकते, भगवान भगवती के समान, जैसे बाबा ने तो भगवान भगवती बनाया, लक्ष्मी नारायण किसको बना सके, बच्चे को भी नहीं बना सके। तो अब बाप सबको तो राजा ही नहीं देंगे, ये भी ड्रामा बना हुआ है, किसको राजा ही मिलेगी, सिम्टम्स ऑफ राजा ही, अभी के आज के दिन के बता दो, कल का छोड़ो, आज के दिन अमृत वेले में राजा ही रही, संकल्पों में राजा ही रही, मुरली में राजा ही रही, क्या करे, नींद आ गया, पता ही नहीं चला, एकदम मुरली के समय जा गई, गई राजा ही, फिर मुरली के समय काम का चिंतन आया, गई राजा ही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पूरे दिन संकल्प किया, थोड़े दिन तक ठीक रहा, कहते हैं ना 12 बजे तक ठीक रहता है फिर आधा राज्य मिलेगा सत्युग फुल 2500 राज्य ऐसे नहीं, पर मैं अपना आपको भी मार्क्स दे रही हूँ, तो मुझे भी बहुत संकल्प है, अभी बहुत वर्क करना है, फिर राजा ही चाहिए ना, प्रजा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रहा है वैसे, बहुत अच्छे हैं उस तरीके से, तो अच्छे हैं बाबा कहते हैं। दूसरा फिर तो राजा ही भारतवासी विश्व के मालिक बनते हैं, इस पतित दुनिया से पार ले जाने के लिए किवैया को याद करते हैं कि आकर इस वैश्यालय से शिवालय में ले चलो, एक है निराकार शिवालय, निराकार शिवालय, और शिवालय कौन सा है, साकार शिवालय, एक और शिवालय, एक सत्यु, निराकार निर्वाण धाम, निर्वाण धाम दीदी शिवालय कहलाता है, मंदिर को शिवालय, एक और है मधुबन, बाबा को भी बाबा कई बार शिवालय कहते, शिव का स्थान तो एक है निराकार शिवालय निर्वाण धाम, दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते उनको भी शिवालय कहते, सारी सृष्टि शिवालय बन जाती है, वह तो यह है साकारी शिवालय सत्युग में, और वह है निराकार शिवालय निर्वाण धाम में, यह नोट करो, शिव बाबा का रहने का और शिव बाबा ने जो बनाया है वो भी, चाहे उस समय शिव बाबा रहते नहीं है, तो ये साकारी शिवालय सत्युग में, यह नोट करो, समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट्स बहुत मिलती है, फिर अच्छी रीति मंथन भी करना चाहिए, जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं, सवेरे क्यों बैठते हैं, ये 60s के बच्चों की बात है, आजकल तो सवेरे सोते हैं, पढ़ते थे आजकल 4 बजे सोते हैं, सवेरे क्यों बैठते हैं, ये जो सब बीमारी का कारण है ना, ये वाली लाइफस्टाइल, क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है, एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है, सवेरे उठने का शौक होना चाहिए, कोई कहते हमारी ड्यूटी ऐसी है सवेरे जाना पड़ता है, मुरली नहीं सुन सकते, 7 बजे निकलना पड़ता है, अच्छा शाम को बैठो, शाम के समय भी कहते देवता चक्र लगाते, नहीं पॉसिबल है तो बेशक चलते चलते, कई सोचते हैं कि चलो चलते चलते मुरली गाड़ी में बैठे हैं, अभी तो जूम पे है मुरली सुन लेते, ठीक है वो भी अच्छा है, पर फिर बैठ के स्टडी करने एडिशनल, वो तो एक्सक्लूसिवली करना नहीं है, मतलब वो कंपेंसेट नहीं हो कि मैंने सुबह सुन ली ना चलते चलते, फिर बाद में, ये जरूरी है, शाम के समय भी कहते हैं
देवता चक्र लगाते हैं। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था, बहुत गरीब था, पढ़कर वजीर बन गया। सारा मदार पढ़ाई पर है। वजीर था मतलब वो पहले बहुत गरीब था, उसका नाम कुछ मुझे याद नहीं रहा, एल से नाम है, याद नहीं आ रहा। तुमको तो पढ़ाने वाला लिंकन? नहीं 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 वो नहीं है, वो तो प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ। वो भी उसी की भी स्टोरीज हैं, क्या बोलते हैं, रैक्स टू रिचेस स्टोरी है उसकी। तो बाबा सारा मदार कहना क्या चाह रहे बाबा, पढ़ाई पर है। तुमको तो पढ़ाने वाला परमपिता परमात्मा है, तुमको ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता, न श्री कृष्ण, निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं। देखो इसलिए हमारी रैंकिंग में कोई पार्शियलिटी नहीं है, भगवान ने अपने हाथ में लिए, इसलिए वो जो डिसीजन देगा 100% जस्टिफाइड डिसीजन में। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं, उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सत्युग त्रेता आदि, फिर आदि, फिर त्रेता का अंत, द्वापर की आदि, सत्युग त्रेता आदि, फिर त्रेता का अंत, द्वापर की आदि, उनको मध्य कहा जाता है। एक पजल करके बाबा ने बोला, त्रेता का अंत मतलब मध्य किसका, कल्प का मध्य। हाँ ये सब बातें बाबा समझाते। ब्रह्मा सु विष्णु बन 84 जन्म भोगते, फिर ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए व लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए, बात एक हो जाती है। इस समय तुम ब्राह्मण वंशावली हो, फिर तुम बनेंगे, अभी ब्राह्मण वंशावली, ब्रह्मा वंशावली। फिर किसकी वंशावली? ईश्वरीय, ये तो अभी है ना, देवताओं की विष्णु वंशावली होगी, फिर देवताओं की वंशावली है, देवताओं की वंशावली, विष्णु वंशावली बनेंगे। मतलब सत्युग त्रेता के अंत तक जो भी आएगा विष्णु की वंशावली है। फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बनेंगे। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते। तुम जानते हो हम आए हैं बेहद के बाप से श्रीमत पर चल, विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए। प्रजा भी विश्व की मालिक ठहरी ना, इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। नहीं, प्रजा भी तो हार्वर्ड ग्रेजुएट थी, नहीं थी? सत्युग की प्रजा टॉपर नहीं थी हार्वर्ड की, पर ग्रेजुएट तो थी ना। तो बाबा कहते हैं प्रजा भी विश्व की मालिक ठहरी, बाकियों से तो फिर हार्वर्ड ग्रेजुएट बाकियों से तो बेस्ट है। इस पढ़ाई में भी बड़ी होशियारी चाहिए, जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे ऊंच पद पाएंगे। मतलब इतनी सच्चाई चाहिए ना कि एक का राज्य वही जैसे स्टार्टिंग में का एक्सेप्ट हो। उसके लिए जब वो हमारे पास आते हैं, हम लोगों को, हम सबको देखते हैं कि तुम्हारे में कितनी डेडिकेशन है, तुम सब लोगों में कितना कंसर्न है, ये सब गुण देखते हैं ना, मतलब उनको लगता है हाँ ऐसी भी दुनिया होती है, फिर निस्वार्थ, ये भी इतना सा कुछ कहो सब लोग कैलकुलेटिव होते हैं,
तो बाबा इसलिए कहते कि कोई को जरा भी धारणा नहीं होती है, तो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे इतना उच्च पद पाएंगे। ये बेहद की पढ़ाई है, सबको पढ़ना है, सब एक से ही पढ़ते हैं। फिर नंबर वार कोई तो अच्छी धारणा करते हैं, कोई को जरा भी धारणा नहीं होती है। सिलेबस हमारा एक ही है, मुरली 4 पेज में पूरा सिलेबस, और सबके लिए, टीचर्स के लिए अलग नहीं, कुछ नहीं। और फिर पढ़ाने वाला एक, सिलेबस एक, टाइम एक, अलग अलग मुरली नहीं चलाते, सब लोग एक ही क्लास में आ जाओ, तो सब एक से ही पढ़ते हैं। नंबर वार तो सब चाहिए ना, कोई तो बिल्कुल जरा भी धारणा नहीं करते, राजाओं के आगे धारणा नहीं करते। फिर बाबा कहते राजाओं के आगे दास दासियां भी तो चाहिए ना, दास दासियां तो महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर में। दीपक भाई आप इधर आ जाओ। तो बाबा कहते दास दासियां तो महलों में रहते, प्रजा तो बाहर रहती है। वहां महल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन बहुत है, मतलब इतने बड़े तो नहीं होंगे ना, महल तो काफी बड़े बड़े होंगे प्रजा के भी। दास दासियां महलों में रहती है, उनके महल नहीं होंगे, प्रजा तो बाहर रहती है, महल के तो बाहर होंगे। क्यों कंसर्न है प्रजा के में? क्यों ख्याल आया? आपकी बुकिंग तो हमने वहां दूसरी जगह कर दी है, राजाई में। वहां महल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन बहुत है, मनुष्य थोड़े हैं, अनाज भी बहुत होता है, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है, पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होते हैं। पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है, सुना? एक ही मत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वहां कहेंगे सत्युगी सूर्यवंशी, लक्ष्मी नारायण का राज्य। अच्छा, फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे, उनकी माला बनती है, 8 पास विथ ऑनर्स होते हैं, 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते, बीच में 8 पास विथ ऑनर, फिर 9 रत्न की अंगूठी, बीच में बाबा, बाकी 8 रत्न, 9 रत्नों की अंगूठी बहुत पहनते, वो शायद कुछ बीमारी में यूज करते हैं ना, आजकल कहाँ है वो 9 रत्नों की अंगूठी, मतलब हमने तो ये सुना है कि जब, हाँ मतलब कभी ऐसे, ये भी एक मतलब कारण भी होता है कि भाई कोई बीमारी है तो ये अंगूठी पहनने से आपकी बीमारी चली जाएगी, तो हमारे यादगार खाली वो भी पहन लो ना, उससे भी बीमारी चली जाएगी। 8 पास विद ऑनर्स होते हैं, ये देवताओं की निशानी समझते हैं, अर्थ तो समझते ही नहीं है। 9 रत्न किस लिए? उन्होंने सोचा 9 धातु, 9 मेटल्स को मिक्स करते हैं ना, ऐसा ही कुछ है, 9 स्टोन्स, वही। तो बाबा कहते यह देवताओं की निशानी है, अर्थ तो समझते नहीं है। स्टोन से कैसे, एक सक्सेस का भी तो सिंबल है, बीमारी को ठीक करने का, सक्सेस का, स्टोन से कैसे सक्सेस कनेक्ट हो? तो अर्थ तो समझते नहीं है। वर 9 रत्न कौन थे? माला भी 9 रत्नों की बनती है, क्रिश्चियन लोग बाह में माला डालते हैं, 8 रत्न और ऊपर फूल होता है, वो छोटी सी माला होती है क्रिश्चियन का, इतना 8 वाला छोटा सा रोजरी बोलते उसको, 8 रत्न और ऊपर फूल होता है, यह है 8 रत्न और फूल, ये कौन सी माला है? यह है
मुक्ति वालों की माला, जीवन मुक्ति वालों की माला। अच्छा पेचीदा, जीवन मुक्ति में सारे कैसे हैं? एक तो आठ वैरंती माला, जीवन जो में युगल भी आएंगे। देखो बहुत अच्छा बाबा ने समझाया है, आठ रतन और ऊपर फूल होता है, यह है मुक्ति वालों की माला। बाकी जीवन मुक्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना भी जरूर होगा। जो युगल दाना है ना, वो फूल और फिर इधर उधर करते हैं ये और ऐसे वैसे, लास्ट में माला फेर के ऐसे और ऐसे करते, वो युगल दाना उसके बाजू में युगल दाना होता है माला। पता नहीं सभी ने ली देखी तो होगी ना माला। हाँ हाँ वो फूल, तो ओनली आठ रतन और फूल। तो ये आत्माएं कौन सी है? मुक्ति वाली है ना, क्रिश्चियनिटी। तो उन लोग वो इतनी छोटी सी माला करते, और जीवन मुक्ति वालों की यादगार फिर वो 108 और उसमें युगल दाना बोलते। अलग अलग है। तो वो दीदी मुक्ति की सिर्फ अष्ट देवताओं की तो मान्यता रहेगी ना, अष्ट महाराजा। नहीं नहीं मुक्ति की बता रहे ना, जो आप कह रहे हो आठ ही रहेगी। तो आठ मतलब तात्पर्य क्या हुआ? देवताओं की तो अष्ट रतन की तो होगी ना, और बाकी सब में 108। युगल दाना कहाँ आता है? जहाँ 108 का होता है वहां युगल दाना होता है। तो बाबा कहते हैं, क्लियर हुआ ना सबको? अना अच्छा जमीन बहुत है, अर्थ तो समझते नहीं कि वो नौ रत्न कौन थे। माला भी नौ रत्नों की बनती है, अर्थ भी समझाना है। शायद ये वो पोप की भी नंबरवार माला बनाते, इस माला का तो उनको मालूम ही नहीं। वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते, शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते। अष्ट महाराजाओं ने कितनी मेहनत की, कौन सी मेहनत की, रोज हम सुन रहे हैं ना, भगवान का बुलावा है, सेवा है, तो फिर भगवान पर मेरा अधिकार है, ये मेहनत। फिर दुआएं लेने की हॉबी, आज का होमवर्क दादी का हमेशा होता था, मुझे दुआएं लेने की हॉबी है। उदार दिल, ये मेहनत, तो फिर इनकी ये माला बनती है। तो वास्तव में माला तो यही है, शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हैं। अब अगर तुम किसको भी बैठ समझाओ तो माला किसकी बनी हुई है तो झट समझ जाएंगे। तुम्हारा प्रोजेक्टर विलायत तक भी जाएगा, फिर समझाने वाली जोड़ी भी चाहिए। ये ज्ञान जोड़ी चाहिए बाबा को समझाने वाला, सब सिंगल सिंगल है, जोड़ी चाहिए। कई बार बाबा बताते हैं ना, ये रमेश भाई, उषा बहन, कितने सारे विदेश की सेवाओं में, यूएस की सेवाओं में जाते थे, शुरू किया था शुरू शुरू में। क्यों जोड़ी चाहिए? बाबा जोड़ी को भी बहुत महत्व देते थे। हाँ उनको देख के, हाँ उनको देख के डरेंगे नहीं। हाँ ये भी हमारे जैसे है, मतलब ये कोई भगाते नहीं है। तो फिर समझाने वाली जोड़ी भी चाहिए। जोड़ी है यहाँ, कितनी जोड़ियाँ है? एक, दो, तीन, तीन और ऑनलाइन जोड़ी जोड़ी जोड़ी। हाँ शशि बहन चार, गुलाब भाई पांच, छह और छह ही है, छह तो बड़े कम है। हाँ सात, नवल भाई, नवल भाई कहाँ गए? हाँ वेरी गुड, बाजू में ही है। सात, सात जोड़ी है, थोड़ा और जोड़ी को बढ़ाना है।
थोड़ा सिंगल सिंगल। अभी शिवानी के प्रोग्राम में सब लक्ष्मियों को अपने अपने नारायण को लाना है, और सब नारायण को भी अपनी लक्ष्मी शिवानी के प्रोग्राम में लाओ, ये सेवा का अच्छा सा चांस है। तो फिर जोड़ी हो जाएगी, फिर जोड़ी हो जाएगी। बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं फिर जोड़ी भी चाहिए, समझेंगे ये तो प्रवृत्ति मार्ग है, बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्र को भी जानना है। जो चक्र को नहीं जानते तो क्या उन्हें क्या कहेंगे? सत्युग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अब फिर बनते हो तुम? यह पढ़ाई पढ़कर इतने ऊंचे बने हो? राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते, और राधे कृष्ण का ऑलवेज टीनेजर सुकुमार, बड़ा नहीं बताते। तो स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ा। सत्युग में तो किसकी भी स्त्री अकाले मरती नहीं है, सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं, रोने की दरकार ही नहीं, नाम ही है पैराडाइज। इस समय ये अमेरिका रशिया आदि जो भी है ये सब क्या है? माया का भपका। कितने है ना रशिया में, सब हर चीज में गोल्डन, पीछे ऊपर गोल्डन गोल्डन। अगर व्यू देखो ना, उसको कौन सा बोलते हैं, रात को उनका एक ड्राइव होता है, जो नाम नहीं याद आता कौन सा ड्राइव होता है, वो केवल वो सिटी में पूरा गोल्ड गोल्ड चमक रहा है। इस तरह से लाइटनिंग भी है, और हर वो जैसे गुंबज के ऊपर वो उस तरह से, और वो मतलब वो जो चर्च का स्टाइल होता है, और ऊपर गोल्डन। तो बाबा कहते हैं कितना भपका है ये सब, ये एरोप्लेन मोटर आदि सब बाबा के होते ही निकली है, 100 वर्ष में ये सब हुए हैं। यह है, इतना सब समझा दिया। फिर बाबा कहते हैं यह सब है मृग तृष्णा मिसल राज्य। पहला हुआ भपका, मृग तृष्णा मिसल राज्य, इसको माया का पंप कहा जाता है। मृग तृष्णा तो मालूम है ना, मिरेज इन द डेजर्ट, सबको तो पता है उसका। उसको लगता है वहां पानी है, सूर्य की किरणें हैं, प्यासा है, भागता है वहां, फिर आगे देखता है। साइंस का पिछाड़ी का भपका है अल्पकाल के लिए, तो बच्चे ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में काम आएंगे, माया के पंप से खुशी भी मनाएंगे, तो फिर विनाश भी होगा। अब तुम श्रीमत से राजई ले रहे हो, वह राजई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। मेहनत करके जो राजई मिली ना, अब लड़ाइयों से जो राज्य मिलता है वो क्या करेगा? थोड़े दिन एंजॉय करेगा, फिर दूसरा उस पर चढ़ाई करता है, जो अभी तक यही स्टाइल रहा है। और सत्युग में इसलिए कोई छीन नहीं सकता, खुद के मेहनत से मिला है। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते हैं, वह राजा ही कोई हमसे छीन नहीं सकता, वहां कोई उपद्रव नहीं होगा, क्योंकि वहां माया ही नहीं है। बाप समझाते बच्चे अच्छी तरह पढ़ो, परंतु शुरू में था ना, पहले पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो उच्च पद पाएंगे, तो अच्छी तरह पढ़ो। परंतु साथ साथ बाबा यह भी जानते हैं, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं बाबा, पर साथ साथ ये भी जानते हैं, कल्प पहले मुआफी की सबको पढ़ना। क्या हुआ? एक्सेलेरेटर दिया, ब्रेक भी रखा साथ। हम लोग क्यों हताश हो जाते कभी कभी, सिर्फ एक्सेलेरेटर पे चलती है गाड़ी, ब्रेक नहीं लगा सकते। तो बाबा कहते जो सीन कल्प पहले चली है वही अब चल रही है, नर्क को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कल्प पहले मुआफी की चल रहा है। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा उसको ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं,
बाप टीचर है, तो बच्चे बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। विलायत तक या पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं 60s में, एक बार गए थे ना 52 में, बाबा के सामने ज्यादा थोड़ी। विदेश की सेवा कौन से ईयर से शुरू हुई? 72 से शुरू, 69 तक खाली एक ही बार वो जापान जाके आए। हाँ 52 था ना, 54 था, 54 में भी था 52 में भी था, दो बार हुआ। विलायत तक या पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं। हाँ फिर इंटरप्रेटर भी साथ में होना चाहिए, होशियार चाहिए। कितनी डिटेलिंग बात, भगवान को भी ये सब बोलना पड़ता है कि इंटरप्रेटर भी होना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट होता है, मेहनत तो करनी है ना। दादी का इंटरप्रेटर कौन था मालूम है ना सबको? जानकी दादी का। जयंती का स्टार्ट ऐसा किया, कोई दूसरा इंटरप्रेटर चलता ही नहीं था दादी को, क्योंकि दादी को समझ में आता था कि वो क्या बोल रही। जितना जिस भावना से, जिस भाव से मैंने बोला, वो भाव को एक्सप्रेस करे, शब्दों को नहीं। तो ट्रांसलेटर नहीं चाहिए लेकिन इंटरप्रेटर, मेहनत तो करनी है। तुम ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत ऊंची चाहिए। सत्युग में चलन होती ही ऊंची और रॉयल है। एक बार कौन थी, मंदा बहन थी लंदन की, इंटरप्रेट दादी कर रही थी, उसने बोला होगा कुछ, दादी बोला ये नहीं ठीक से बताओ। ये मैंने नहीं बोला, ठीक से बोलो, मतलब वैसे बोलना नहीं आता है, पर पूरी परसेप्शन क्लियर था बाबा दादी का। अच्छा बाबा कहते हैं, हाँ बच्चे तुम ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत ऊंची चाहिए। सत्युग में चलन होती ही ऊंची और रॉयल है। यहां तो तुमको बकरी से शेरनी और बंदर से देवता बनाया जाता है। बकरी एक तो मैं, दूसरा बकरी का गुण है भय, क्या बकरी की तरह कर रहे हैं। शेरनी निराश होना, अपने प्रति हताश हो जाना, ये सब बकरी वाले गुण। शेरनी जैसे अभी बताया ना, वरदानों की फीलिंग, ये शेरनी की फीलिंग। तो बंदर से देवता बनाया जाता है। तो हर बात में बच्चे, पहले बताया चलन ऊंची चाहिए, रॉयल चाहिए, बकरी से शेरनी, ये हर बात में निरंकारीपना चाहिए, अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए, याद रखनी चाहिए। कौन सा स्लोगन? ब्रह्मा बाबा का, जो हमने शुरू में बताया, शुरू में जो बताया, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, पर जैसा संकल्प हम करेंगे। दादी कहती थी जो निमित्त है ना वो इंस्ट्रूमेंट्स है, तो अगर वो मतलब थोड़ा भी इस तरह संकल्प करते हैं तो जैसे ब्लैकआउट है, उनका पावर कम होना मतलब ब्लैकआउट होना। कितनों के इलेक्ट्रिसिटी, संकल्पों की, उमंग उत्साह की इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगी अगर निमित्त थोड़ा बहुत ऐसा सुन, जिनके भी हम निमित्त बनते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितनी निरंकारी है, सब कुछ हाथ से करते हैं, तो और ही जास्ती मान होगा। मधुबन में जाते थे ना, अभी तो इस बार तो नहीं, पिछले बार लॉकडाउन में हम लोग ही मानते थे सब जगह, और वैसे भी। तो बाबा कहते हैं एक्चुअली मांझने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है। वो बहुत टैलेंटेड वर्क की बात थोड़ी कि बुद्धि बहुत जरूरत होती है, देवी माँ। तो बाबा कह रहे हैं
सब कुछ हाथ से करते तो और ही जास्ती मान होगा। खुद का नशा खुद को शक्तिशाली बनाता, दूसरों का कहना शक्तिशाली नहीं बना सकता या डाउन नहीं कर सकता। इसलिए कौन था वो, राम प्रकाश भाई, राम प्रकाश भाई था ना, सिंगल न्यूयॉर्क वाला, क्या बोला था हाँ यहाँ आए थे सेंटर पे, बोला बर्तन मांजता था, इंजीनियर थे और सोचता था कि पाप, कितनी गुडनेस के बारे बताया था उन्होंने, कितने डेली वो करते पाप है। मेरे धुल रहे हैं, बर्तन नहीं धुल रहे, पाप धुल रहे हैं, और नाचता था बर्तन मांजते मांजते, हर चीज को कैसे कन्वर्ट किया। तो वो आत्मा कितनों को प्रेरणा दे सकती थी। इसी तरह वो कोई भी प्रोग्राम में, मतलब वो बाबा के कमरे में बैठे होते, यहाँ से कुछ सेवा होती, बहनें बाकी को नहीं उठाती, उनको उठाती थी, तो अब लगता है ना क्या है, योग भी नहीं करने देती। एक ये भी थॉट आ सकता है, दूसरा थॉट है भी कितना मैं स्पेशल हूं कि मुझे उठाया, बाकियों को बोला तुम बैठो तुम योग करो जो स्पेशल होगा उनके दिल के नजदीक होगा वही उठाएंगे ना, उनको उठाएंगे। कन्वर्ट थॉट करो, बस प्रॉब्लम काम का नहीं होता है, थॉट्स का होता है। तो बाबा कहते कहां अहंकार आने से दिल से उतर जाते, जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तो दिल पर चढ़ेंगे नहीं, तो तख्त पर बैठेंगे कैसे, दिल तख्त राज्य तख्त, नंबरवार मर्तबे तो होते ना। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते, गरीब झोपड़ा बनाएंगे। इस कारण अच्छी तरह से पढ़कर फुल पास हो, अच्छा पद पाना चाहिए, ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा अथवा जो नसीब में होगा, यह ख्याल आने से ही नापास हो जाएंगे। नसीब को बढ़ाना है, रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत मजा आएगा। बाबा को कोई बतलाते ही नहीं है, कंप्लेन है बाबा की कि बाबा हम ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं, क्या हुआ वर्षाबेन सीरियस है, बतलाया ही नहीं बाबा को, हम ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं। तो बाबा समझाते हैं कि कोई कोई उठता ही नहीं है, शायद सब कुछ बता के शायद इनका पाठ है विचार सागर मंथन करने का, नंबर वार बच्चा तो यही है ना, नंबर वन बच्चा तो यही है ना। बाबा अनुभव बताते बच्चे उठकर याद में बैठो, ऐसे ऐसे ख्याल किए जाते हैं, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा क्या है विष्णु क्या है, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। सुना बाबा कहते कब करना चाहिए, कब करना चाहिए सुशीला बहन, क्या बोला मुरली में, सवेरे से बाद में, सवेरे सवेरे उठकर अमृत वेले के बाद या उठते ही ख्याल करे बाबा साथ में। वैसे पूरे दिन का जब ख्याल चलता है ना, वो इमीडिएटली वही ख्याल आता है। अच्छा मीठे मीठे रूहानी सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप कोई याद, बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग नमस्ते, शुक्रिया बाबा धारणा के लिए सार है। जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, इसलिए हर कर्म पर ध्यान देना है। बहुत बहुत निर्माण चित्त निरंकारी बनना है,
अहंकार को तोड़ देना है। दूसरा है अपना नसीब तकदीर ऊंचा बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक रखना है, बाप को याद करने का शौक रखना है। अच्छा वरदान है त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी है वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं है। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में, अंडरलाइन, कभी भी कोई भी बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करती। मैं अगर कहीं मूंझ होती हूं तो त्रिकालदर्शी नहीं हूं। चाहे परिस्थिति मूंझाने की हो लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी क्योंकि अनगिनत बार वह पाठ बजाया है। यह स्मृति कर्मयोगी बना देती है, वह हर काम मौज से कर। हर त्रिकालदर्शी में और मौज। अभी कुछ खराब हो गया है, त्रिकालदर्शी मौज में रहेगा। बहुत रॉन्ग हो गया, अभी नुकसान हो गया, बाबा कहते त्रिकालदर्शी मौज में रहेगा। कैसे? पहले हुआ था अकाउंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट सीन बहुत अच्छा होगा, ये निश्चय जो है ना। इसलिए समीपता, मैं यही सोच रही थी कल कि समीप का मतलब है, आज आएगा पुरुषार्थ में भी, बहुत समीप मतलब विश्वास कि ठीक है अभी ऐसा हुआ, नेक्स्ट सीन बहुत अच्छा होगा। त्रिकालदर्शी तो मौज में बदल देगा। स्लोगन है सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हरेक को सम्मान दो। सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हरेक को सम्मान दो, हरेक को सम्मान दो, रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट किससे होता है? आत्मा से रिस्पेक्ट निकलता है। और शरीर पोजीशन से केवल आपको सलामी मिलती है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता। अच्छा आज का व्यक्ति इशारा, व्यक्ति इशारे हर कार्य करते हुए पाठ बजाते हुए स्वयं को न्यारी और प्यारी न्यारी अवस्था में रहेंगे तो उनकी चलन से बोलचाल से औरों को उपराम स्थिति का अनुभव होगा। जितना स्थिति ऊपर जाएगी उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते भी इस उपराम अवस्था तक पहुंचना है। बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो। मोहिनी बहन ने सुनाया कि न्यारी अवस्था के लिए जितना रिएक्टिव रिएक्शन वाला कभी भी न्यारापन का अनुभव नहीं कर सकता क्योंकि रिएक्शन वाला एक तो उस कर्म से रिएक्शन है और फिर इसका रिएक्शन का दूसरे का रिएक्शन, तो वो हमेशा जुड़ा हुआ है। न्यारा मतलब
डिटैच, तो ये तो जुड़ा हुआ है ना। तो उसने कुछ कहा, मुझे अंदर बदले की भावना आई, उसने कुछ किया, तो रिएक्टिव है, रूठना, बोलना, सप्रेस करना, ये सब क्या हो गया, रिएक्टिव है। हाँ नहीं, इसलिए वो न्यारी अवस्था नहीं कर सकती। अच्छा चलो जी, कितनी प्यारी बाबा की मुरली थी।